नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय लॉकडाउन चल रहा है, मैं भी अपने घर पे लॉकडाउन में बैठा हुआ हूँ। शाम का समय है, मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, उन पर चर्चा हो रही थी। तो दोस्तों, आज मैं कोई बात नहीं करूँगा किसी जातियों के इतिहास को लेकर, बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा थोड़े से इस आर्यव्रत यानी कि भारतवर्ष की जो ऐतिहासिक धरा पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको पौराणिक घटनाएं बताया जा सकता है। आज महाभारत काल को पौराणिक घटना ही कहा जाता है। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूं इस जो आज हम कोरोना के खतरे से घिरे हुए हैं, आप सबको सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी को सरकार के बताए गए नियमों को बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। आप सबको घर में रहना है, जिससे आप ना सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं बल्कि आप लोगों को कोरोना होने से भी, उनकी भी मदद कर सकते हैं, जिससे आप कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि हमें कोरोना को हराना है तो इसके चेन को तोड़ना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और यह तभी पॉसिबल है जब हम सभी अपने घर पर रुक जाएंगे, जो जहां है वो वहीं रुक जाए, ताकि जहां पर भी कोरोना का इन्फेक्शन है वो वहीं उसको हम उस व्यक्ति को क्वारंटाइन करके या पेशेंट के साथ, वो सब डॉक्टर्स का अपना काम है, वो वहाँ से अपना काम कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बात कर रहा था महाभारत काल की। तो क्योंकि जो आज का माहौल है, कोरोना देश में फैल रहा है, कुछ मीडिया, सरकार और इनके साथ साथ हम सब भी अपने घरों में बैठकर न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, तो कहीं नकारात्मक विचारों से ना घिरें, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक घटना बताता हूँ। तो ये उस समय की घटना है जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना की जा रही थी। तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि इंद्रप्रस्थ की स्थापना में तक्षक जो एक नाग था, बहुत ही विषैला था, वो जंगल में रहता था, और इंद्रप्रस्थ को वहीं बनाने की कोशिश राजा कर रहे थे और उसमें अर्जुन मदद कर रहे थे। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि तक्षक इंद्र देव का बहुत अच्छा भक्त था, और उनकी मदद से इंद्रदेव के पास जाकर जब भी वो ये इंद्रप्रस्थ बनाने की कोशिश करते, वहाँ पर नगर बसाने की कोशिश करते, तो उनको जंगल को काटना पड़ता, लकड़ियों को जलाना पड़ता। लेकिन ऐसा करने के लिए जैसे ही वो अग्निदेव का आवाहन करते, तक्षक नाग अपने पूज्य इंद्र से कहकर वहाँ पर बारिश करवा दिया करता था। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जब अर्जुन आए तो ये बहुत ही बेहतरीन धनुर्धर उस समय विश्व क्या पूरे यूनिवर्स यानी कि संपूर्ण सृष्टि में ही जो सबसे बेहतरीन द्रोणाचार्य के मतानुसार जो सबसे बेहतरीन धनुर्धर थे वो अर्जुन थे, नंबर वन के स्टूडेंट थे, उनके स्कॉलर थे। तो अर्जुन ने कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये इंद्रप्रस्थ बसाया जा सकता है, बस आप मुझे एक काम करिए, किसी तरह से एक ऐसी धनुष दीजिए जो मन से भी ज़्यादा तेज बाणों को फेंक सके, और मुझे दो आप तर्कस दे दीजिए जिनमें कभी बाण ख़त्म नहीं होने चाहिए, बाकी सारा काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और उन्होंने अग्निदेव से कहा कि आप चलिए आग जलाइए, उसके बाद मैं अपना सारा काम अपने बाण धनुष से कर लूँगा। तो जैसे ही वहाँ पर आग लगाई गई तो अर्जुन तुरंत अपने बाणों से सभी प्राणियों को मारते चले गए, वृक्षों को काटते हुए चले गए। तो बहुत सारे लोग, बहुत प्राणी मरे, बहुत सारी चिड़ियाँ मर गईं, बहुत सारे कछुए मर गए, बहुत सारे खरगोश मर गए, बहुत हिरन, हाथी, शेर, मगरमच्छ, पानी सूख गया, वहाँ पे एक सरोवर था वो सूख गया। तो क्या हुआ कि तक्षक उस समय बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि वो उस जंगल में ना सिर्फ रहता था बल्कि उस जंगल में रहने वाले सभी लोगों को प्रेम भी करता था, वो वहाँ का राजा अपने आप को समझता था। तो उसने सोचा, चलो ठीक है, आज इसने मुझे मार दिया है, मैं इसका बदला लूँगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो बदले की भावना है, मैं इस सिनेरियो में इस बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें अपने अंदर बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बदला कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए हमको ऐसी भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। आज हम सब लॉकडाउन में हैं, अपने घर पे हैं, तो अगर हम अपना मनन करें, अंदर से चिंतन करें, तो हम पाएंगे कि शायद बदले की भावना यदि हम नहीं रखें तो अंदर से बहुत अच्छी शांति रहती है। तो क्या हुआ, तक्षक ने वो बदले की भावना रखी, और फिर लास्ट में क्या हुआ, तक्षक के मरने के बाद जनमेजय जो था वो तक्षक नाग बनकर के वो वहाँ उनको जाके काटा, राजा को उसको डसा और उसने अपना बदला पूरा किया। लेकिन उसके बाद जनमेजय जो उस राजा के पुत्र पैदा हुए आगे, उन्होंने जाकर के फिर नागों को मारने का एक यज्ञ किया। तो ऐसा हम पौराणिक इतिहासों में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर भी उस काल में भी बदले की भावना के साथ जितने भी कार्य किए गए उनका कोई अंत नहीं हुआ, और उसके बाद सिर्फ काम खराब होते चले गए।
तो दोस्तों यही आज मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि आप सभी लॉकडाउन में हैं, तो जो भी बाहर माहौल चल रहा है उसमें हम सबको बस ये सोचना है कि हम अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, हम अपने घर पे रहेंगे, लॉकडाउन रहेंगे, शांत रहेंगे और बाकी काम सरकार आराम से करती रहेगी। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आपको ऑल दी बेस्ट कहते हुए, क्योंकि आज शाम इस समय जब मैं शूट कर रहा हूँ तो कुछ ही घंटे बचे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सभी को दीपक जलाने का आह्वान किया है, हम सभी उसमें शामिल होंगे। तो रात 9 बजे आज दीपक जलाएं ताकि आपके प्रधानमंत्री, आपके मुखिया का मनोबल बढ़े। इस समय हमें हिंदू मुसलमान से ईसाई ये सब सोचने का वक्त नहीं है। जो मूर्ख लोग हैं वो मानवता से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो हमें उनको मदद नहीं करना है, बल्कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का आगे आकर एक विचारधारा को पैदा करना है कि ये इंडिया है और यहाँ पर भारतीयों की संस्कृति के साथ रहना ही सबके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।